पहले पारे के पहले रुकू के अंदर आप देखें तो ये आये करीमा मौजूद है, वमिनन्ना से मैं यकूलु आमन्ना बिल्लाही व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए लेकिन वो मोमिन नहीं। इसी तरीके से सूरह मुनाफिकून की इब्तिदाई आयात में देखें तो वहां पर भी ये चीज वाज़ह तौर पर नजर आती है कि मुनाफिकीन रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कह दे नशहदो इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। मुनाफिकीन कहते थे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप अल्लाह के रसूल हैं लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक झूठ बोल रहे। क्यों? इसलिए कि वो जबान से तो कहते थे कि ये अल्लाह के रसूल हैं लेकिन दिल में उनके रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न उल्फत मौजूद थी, न मोहब्बत मौजूद थी, न आज़मत मौजूद थी, न अकीदत मौजूद थी। और मेरे रब की शान ये शान है कि वो सिर्फ जाहिर को नहीं देखता, वो बातिन को भी देखता है। इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने बाप, अपनी औलाद, अपने माँ और सारे इंसानों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। मोहब्बत का ताल्लुक दिल से है और जब तक के दिल रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार न हो, हजार सजदे इंसान कर ले, हजार इबादतें इंसान कर ले लेकिन बारगाह समदीयत में वही इबादतें मकबूल हैं जो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दिल में मोहब्बत हो और बंदगी रब की होनी चाहिए। इसको मैं कुरान की रोशनी में समझाता हूँ। अब मैं सवाल पूछूंगा, आप मुझे जवाब देंगे। आप नमाज किसके लिए पढ़ते हैं? रोज़ा किसके लिए रखते हैं? हज किसके लिए करते हैं? ज़कात किसके लिए देते हैं? ये सारे काम अल्लाह के लिए करते हैं। लेकिन अब आप देखिए कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने हुजूर की शान को कितनी अरफो आला रखी। इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौक सौतिन नबीज वला तजहरू लहू बिल कौल कजहरि बादिकुम लिबादा अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ए ईमान वालों, नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करो। शान नबी की बयान की जा रही है और इस तरह से नबी को न पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो। अगर किसी ने ऐसा किया तो नमाज भले तुमने खुदा के लिए पढ़ी, रोजा खुदा के लिए रखा, लेकिन रब फरमाते अगर मेरे नबी की आवाज से तुम्हारी आवाज ऊंची हो गई या मेरे नबी को तुमने इस तरह पुकारा जैसे एक दूसरे को पुकारते हो तो मैं तुम्हारी बंदगी नहीं देखूंगा। अंतह बता आमालुकुम, तुम्हारे आमाल हत कर लिए जाएंगे। वान तुम ला तशुरून, और तुम्हें खबर तक नहीं। सहाबा इस मसले को समझते थे कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअदबी ये आमाल के बर्बाद होने की निशानी है और कुदरत की बारगाह से गिर जाने की निशानी है। अगर कोई बेअदबी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में करे तो आपको ये बात जहन में महफूज कर लेना चाहिए, जो करेगा वो अपनी तबाही को दावत दे रहा है और वो कौम की भी तबाही और उसका तबाही और बर्बादी उसका मुकद्दर बन जाती है। मेरी एक किताब है कौमों की तबाही का सबब, पढ़िए उसे आप। कोई मुल्क कैसे तबाह हुआ, कोई कौम कैसे तबाह हुई, तो आप कुरान की रोशनी में उसे समझेंगे कि कौमों की तबाही का सबब
मुल्कों की तबाही का सबब माजी में जब भी हुआ तो एक ही रीजन था उसका, जब उस दौर के लोगों ने नबी की तकजीब की, नबी की तौहीन की। कुरान ने उस कुरान कहता है कि उन पर कभी आसमान से बलाएं नाजिल हुई, पत्थर नाजिल हुए और तबाही और बर्बादी उसका मुकद्दर बन गई। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज जो माहौल चल रहा है और जिस तरीके से आज सिचुएशन क्रिएट की जा रही है एक मोरल डाउन करने के लिए, कि रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान के अंदर माज़ल्ला नाजेबा कलेमात कह दिए जाएं, इससे मुसलमान के दिल को तकलीफ भी पहुंचेगी, मोरल भी डाउन होगा और मुसलमान जो है वो अपने आप को एहसास कमतरी में गिरफ्तार कर देगा। मैं आपको बताऊं, मेरे सरकार की शान का तो आलम यह है, हर आने वाली घड़ी हुजूर की शान में इजाफा ही होता चला जाता है। और ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कह रहा है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल उला, हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर आपको मिलेगी, आपकी शान हर पिछली घड़ी से बेहतर पोजीशन के अंदर आपकी शान अरफ व आला होती रहेगी। ये आज के बाज लोग आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके हीरो बनना चाहते हैं, नामो नमूद हासिल करना चाहते हैं, शोहरत हासिल करना चाहते हैं, इख्तदार हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम। एक हदीस में आपको सुनाओ जिससे आप अंदाजा लगा लेंगे और आपका ईमान पुख्ता होगा। वली के सिलसिले में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमा रहा है, वली के सिलसिले में, नबी के सिलसिले में नहीं, वली के सिलसिले में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमा रहा है, हदीस कुदसी है, मन आदली वलियन फकद आज़न्तुहु बिलहर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मैं उसको ऐलान जंग करता हूं, ये अल्लाह फरमाता है। तो अगर कोई नबी से दुश्मनी करे तो उसका अंजाम क्या होगा? मुसलमानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि अपने आका से ताल्लुक को अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर दें, इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा अपने घर की जीनत बन जाए, बच्चे बच्चे नबी की शान बयान करें और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी उल्फत और अपनी मोहब्बत को वाबस्ता करें। एक छोटी सी बात समझने के लिए मैं आपके सामने पेश करूं, कितना ताल्लुक आपका मजबूत है। आप अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना ताल्लुक स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं, एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा तो बात समझ में आएगी। और अगर बात समझ में आ जाए तो आज के बाद बहुत इजी नुस्खा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक को मजबूत करने का। अगर इस पर आपने अमल कर लिया तो आप देखेंगे कि तड़पे जो हम यहां तो मदीने खबर गए। तो कैसी थी, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, आप जिससे अपना राबता स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और रखना चाहते हैं तो आपके मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप पर उसका नाम उसके साथ कुछ ना कुछ स्पेशल वर्ड कोड वर्ड होता है जिस जो आप समझते हैं कि ये फलां का है और आप उसके साथ मैसेज के अंदर रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं। आपको दिन के 5000 मैसेज आते होंगे, आप सब ना पढ़ते ना सबका जवाब देते हैं, लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं जो आपके नज़दीक अहम हैं, जिनसे आपका काम होता है, जिनसे आपको फ़ायदा पहुंचता है, जो आपको काम आने वाले होते हैं, आप उनके मैसेज को पढ़ते हैं और मैसेज का जवाब भी देते हैं। और बसा औकात ऐसा भी होता है कि अगर उनका मैसेज नहीं आता तो आप एक मैसेज करते हैं, नहीं आता तो 2 घंटे के बाद मैसेज करते हैं, फिर रिप्लाई नहीं आता तो 3 घंटे के बाद मैसेज करते हैं, और अगर उनका जवाब आ जाए तो जवाब को बार बार पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। मैं एक सवाल पूछता हूं, ऐसा होता है या नहीं होता, जवाब दें अगर आप मेरी बात समझ रहे होता है। आप किसके मैसेज किसके नंबर को सेव करके रखते हैं? जो आपको काम आने वाला हो उससे आप अपना राबता बना के रखते हैं।
उसे मैसेज करते हैं, रबते में रहते हैं। कोई काम आपने किया उसे इन्फॉर्म किया, कोई आपका प्रोग्राम है आपने इन्फॉर्म किया, कोई आपके यहाँ फंक्शन है आपने दावत दे दी, ये अहम आदमी है, रबते के लिए आप उसके साथ कॉन्टेक्ट के अंदर रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हर कोई आपसे रबते में रहना पसंद करेगा? सोसाइटी का कोई करोड़पति आदमी, अरबपति आदमी आपके मैसेज को 10 दिन तक जवाब भी नहीं देगा, फिर कभी उसको जब टाइम मिला तो जवाब आपको दिया, और वो उसी को जवाब देगा जो उसके स्टेटस के मुताबिक होगा, स्टेटस से हट करके है तो जवाब भी नहीं देगा। ये आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते होंगे, और बड़ों से कॉन्टेक्ट करने के लिए फिर आपका स्टेटस भी वैसा चाहिए। लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी अजमतों पर कुर्बान, सबसे बड़े हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानों में उनसे बड़ा कोई नहीं, बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने कॉन्टेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या आप पैसा बहुत ज्यादा खर्च करेंगे तो कॉन्टेक्ट होगा? क्या आप कीमती लिबास पहनेंगे तो कॉन्टेक्ट होगा? क्या आप आलीशान बंगलों में रहेंगे तो कॉन्टेक्ट होगा? क्या आपके पास मर्सिडीज होगी तो कॉन्टेक्ट होगा? तब हुजूर आपसे रबते में रहेंगे? नहीं, आप झोपड़े में हो या महल में हो, कॉन्टेक्ट का इजी तरीका यह है, यहां आपने दुरूद पढ़ा, इधर हुजूर से कॉन्टेक्ट हो गया, रबता हो गया, और फरिश्ते फौरन आपका दुरूद सरकार की बारगाह में पेश करते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के दुरूद को सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। ये नहीं, दुनिया का बड़ा तो स्टेटस देखकर जवाब देता है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी अजमतों पर कुर्बान, जो गुलाम भी कहीं से हुजूर पर दुरूद पड़े, मुस्तफा जाने रहमत उसका जवाब अता फरमाते। क्या हमने इतना इजी तरीका हुजूर से कॉन्टेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने का जो है इख्तियार किया? कितने दुरूद पढ़ते हैं हम, कितना रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक करते हैं आप। आज हमारे बच्चों का हाल ये कि उन्हें गाने तो बहुत याद होंगे लेकिन दुरूद याद नहीं होगा। आज हमारा वक्त व्हाट्सएप पर गपशप के अंदर बेशुमा बेपना गुजर जाएगा लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के अंदर वक्त हमारा नहीं गुजरता। ये इतना पावरफुल अमल है कॉन्टेक्ट के सिलसिले में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक होता है जैसे हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ लेते हैं, और एक होता है कि आप बिल्कुल मुकम्मल मदीने की तरफ तवज्जो लगाकर दिल से आप दुरूद पढ़ें। तो मेरे सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दुरूद को मैं खुद सुन लेता हूँ, यानी ऐसे दुरूद को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस समात फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर। और कमाल की बात आप देखें, पढ़ता है बंदा दुरूद अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, पढ़ता है बंदा दुरूद, लेकिन बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिर्फ दुरूद पढ़ने वाले का नाम नहीं लिया जाता, बल्कि फरिश्ते जब पेश करते हैं दुरूद व सलाम तो कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फलां इब्ने फलां ने आप पर दुरूद भेजा, यानी उसके बाप का नाम भी हुजूर की बारगाह के अंदर पेश किया जाता है। मैंने इस पर गौर करने की कोशिश की, बाप तो दुरूद नहीं पढ़ा, दुरूद तो बेटा पढ़ा है, लेकिन बारगाहे रसूल में उसका नाम क्यों लिया जाता है? तो जवाब मिलेगा, उस बाप की अजमतों पर कुर्बान जिसने बेटे को दुरूद सिखाया है, सिखाया है दुरूद उसने, इसलिए उसका नाम भी हुजूर की बारगाह में। आप मुझे बताइए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारा और हमारे वालिद का नाम आ जाए, इससे बढ़कर के सआदत की बात क्या होगी? लेकिन आज का मुसलमान ताल्लुक कमजोर किए बैठा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने रिश्ते को वीक किए बैठा हुआ है, इतना कमजोर हो चुका है, इतना कमजोर हो चुका है कि बड़ी माजरत के साथ सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ देखते हैं, कभी हुजूर की जिंदगी पढ़ने की हमने कोशिश नहीं, कभी पढ़ने की हमने कोशिश नहीं।